खामोशी की दास्तान, भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। राजकोट यात्रा की तैयारी के सिलसिले में चिंतामन देवले ने गांधी से बात की और गांधी ने कस्तूरबा से। कस्तूरबा साथ चलने को तैयार नहीं थी, कई जगह जाना था और यात्रा लंबी थी, शायद इसलिए। वजह जो भी रही हो, उनकी इच्छा नहीं थी, इसलिए गांधी ने जोर नहीं दिया। गोखले स्मारक कोष के लिए गांधी सौराष्ट्र और काठियावाड़ का सघन दौरा करने वाले थे। 15 दिन में 10 से ज्यादा शहर, वाधवान, वांकानेर, गोंडल, भावनगर, राजकोट और अमरेली रास्ते में थे। हडाला, बगासरा, जेतपुर, लिमडी और ध्रांगध्रा भी जाना था। अहमदाबाद वापसी वीरमगाम होते हुए थी, जिसकी चुंगी चौकी का विवाद उच्चतम स्तर पर हस्तक्षेप के बावजूद अब तक पूरी तरह हल नहीं हुआ था। आम लोगों की परेशानी बनी हुई थी। छोटे कस्बे नुमा वीरमगाम की दूसरी समस्याएं भी थीं, लेकिन अन्य जगहों की तरह यहां भी लोग मान बैठे थे कि गोरे ताले काली चाबी से नहीं खुलते। वन डाउन मेल अहमदाबाद से सुबह चलती थी। स्टेशन के लिए रवानगी में थोड़ा वक्त बचा था कि कस्तूरबा यात्रा के लिए तैयार हो गई। पंजा भाई आश्रम से साथ निकले और वाधवान तक आए, लेकिन वो गए तो गोपाल जी साथ हो लिए। गांधी की गतिविधियां और यात्राएं लगातार बढ़ रही थीं और पुलिस के लिए ये चिंता का सबब था। खुफिया विभाग में हलचल हुई और निगरानी शुरू हो गई। हालांकि उन गतिविधियों से कानून व्यवस्था टूटने और शांति भंग होने का डर नहीं था, आला अधिकारी कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। स्पष्ट निर्देश था कि गांधी से संबंधित हर सूचना उन तक तत्काल पहुंचाई जाए। गांधी किससे मिलते हैं, कहां जाते हैं, क्या कहते हैं, हर दिन का पूरा ब्यौरा। इसके लिए विशेष तैनाती की गई। सादा कपड़ों में एक अधिकारी उनके साथ लगा दिया गया। गांधी को इसकी जानकारी थी, पर कोई मुश्किल नहीं थी, सहयोगियों को भी नहीं। ये इंतजाम गांधी की यात्राओं के समय कारगर था। पुलिस की नजरों में समस्या उस समय की थी जब वो अहमदाबाद में अपने आश्रम में हो, उसकी खबर कैसे मिले। अधिकारियों का मानना था कि आश्रम खुला रहता है, इसलिए शायद इसकी कभी जरूरत न पड़े। वैसे गांधी के बारे में जमा की गई खुफिया रिपोर्टों का किसी के लिए कोई मतलब नहीं था। उनमें ऐसा कुछ नहीं होता था जो गांधी सार्वजनिक रूप से न कह चुके हों। रिपोर्टें फिर भी बंबई पहुंचती और फाइलों में नत्थी हो जाती। खामोशी की दास्तान, भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज माइंकर।